यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, देश की आवाज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक, एक ऐसा शो जो आपकी आवाज को करता है बुलंद। बदलते मौसम के चलते महम में अचानक आई तेज आंधी और बारिश के कारण सामान्य अस्पताल में बिजली गुल हो गई, जिसके चलते अस्पताल में जनरेटर का प्रबंध ना होने की वजह से मरीजों को अस्पताल में परेशानियों का सामना करना पड़ा। यही नहीं, डॉक्टर को एक महिला की डिलीवरी तक मोबाइल की लाइट में करवानी पड़ी। मरीजों और सहायकों का ये कहना है कि छोटे छोटे सेंटर पीएचसी और इसके अलावा सीएचसी में जनरेटर की सुविधाएं हैं, लेकिन महम के सरकारी अस्पताल में मोमबत्ती तक का प्रबंध नहीं किया गया है। अस्पताल की बदहाल हालत पर सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इस तरह की जो लापरवाही है उसकी वजह से बहुत बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। इकलौते सरकारी अस्पताल में बिजली नहीं है, आप अंदाजा लगाइए किस तरह की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो देने का दावा किया जा रहा है। कुछ सवाल हैं हमारे सामने और उसके पीछे जो है कई ऐसे सवाल भी उठते हैं जिनके जवाब ढूंढना आज जरूरी है। तो टॉर्च की रोशनी में जिस तरह से ये किया गया है डिलीवरी, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इकलौते सरकारी अस्पताल में बिजली नहीं है, ये भी बड़ा सवाल है। टॉर्च की रोशनी में महिला की डिलीवरी हो जाती है, मैं टॉर्च की रोशनी में इलाज कर रहे हैं डॉक्टर और बदहाल व्यवस्था के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपके यहाँ सरकारी अस्पतालों की हालत कैसी है, इसके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। सरकारी अस्पतालों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही सरकार, सरकारी अस्पतालों के लिए आप सुझाव दे सकते हैं, सरकार तक भी अपनी बात पहुँचा सकते हैं। इकलौते सरकारी अस्पताल में अगर बिजली नहीं है और बाकी जो वहाँ पर व्यवस्था है, सुविधाओं के जो दावे हैं उनका क्या हश्र होगा, उसका अंदाज़ा आप खुद ब खुद लगा सकते हैं, अपनी राय आप दे सकते हैं देश की आवाज़ में। चंदन यादव विमानी से पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर मौजूद है। चंदन जी, आपकी राय क्या है इन अस्पतालों को लेकर? सर, हमें तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक बार इनका प्रोग्राम सुनाना। हमारे यहाँ पीएचडब्ल्यू की भर्ती 7 साल से पेंडिंग चल रही है। नहीं, अस्पताल के बारे में क्या कहेंगे, आज हमारा विषय वो नहीं है। सर, अस्पताल में तो पीएचडब्ल्यू की भी तो जरूरत होती है, अगर उसके अंदर डॉक्टर कोई असिस्टेंट नहीं होगा तो कैसे हॉस्पिटल की शुरुआत होगी, कैसे काम चलेगा, डॉक्टर तो हर काम नहीं करता। चलिए, हम उस मुद्दे को भी जरूर उठाएंगे जैसा कि आपने कहा भी है। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं सवाल आज इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि टॉर्च की लाइट में डिलीवरी का करना क्या ये लापरवाही नहीं है? डॉक्टरों से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था की तरफ देखा जाता है तो जनरेटर उपलब्ध नहीं है इस इकलौते सरकारी अस्पताल में। और वहीं सवाल इस पर भी उठते हैं कि सरकार ये भी कहती है कि हम इतना पैसा सरकारी व्यवस्थाओं में लगाते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लगाते हैं, लेकिन हाल बुरा है। आप अंदाज़ा लगाइए कि महिला की डिलीवरी होती है टॉर्च लाइट में और ऑपरेशन तक जो है इस हालत में ज़रूर किया जा रहा होगा, क्योंकि ये तो एक उदाहरण सामने आए हैं। इससे पहले भी कई तरह के ऐसे उदाहरण सामने आ चुके हैं जहां पर टॉर्च की लाइट में ऑपरेशन तक किए जाते हैं, चाहे वो दूसरे राज्यों की बात हो, चाहे वो हरियाणा की बात हो। जयसिंह कैथल से एक दर्शक फोन मेल पर मौजूद है। जयसिंह जी, अपनी राय रखिए। उदय सिंह, अपनी राय रखिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरी आपसे यही राय है, जो बीजेपी के छोटा से लेके बड़ा तक जितने भी जो उज्जवल बिजली उज्जवल का प्रोग्राम दिखाते हैं, भाई हमने बिजली इतनी पैदा कर दी, इतनी ये कर दिया, तो उन्होंने ये अस्पताल की व्यवस्था नहीं संभाल सके 5 साल में जी। और जो सरकारी डॉक्टरों की बात करते, कितनी पोस्ट खाली है, आज तक इन्होंने पोस्ट नहीं भरी है। तो ये जो आने वाला कह रहे हैं अभी 2035 तक 22 तक हम इलेक्शन में जीतेंगे, अरे काम करेंगे जब भी जीतेंगे, जुमलेबाजी से थोड़ी कोई वोट देगा। अरे एक कर्मचारी इनसे बरखिलाफ हो गया, जिम्मेदार इनसे बरखिलाफ हो गया, कोई भी संगठन है
खिलाफ हो गया। नहीं, आपकी राय क्या है कि अस्पतालों का सुधार किस तरह से हो सकता है, इस पर आप राय दीजिए। भाई हमने ऐसा क्या कर्म कर दिया जो पब्लिक अमृत के खिलाफ हो रही है। चलिए, आप सरकार को कोसते नजर आए हैं। राजन भिवानी से एक दर्शक मौजूद है फोन लाइन पर। राजन जी, क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी? हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये देखिए कितना बड़ा फेलियर है ये सरकार का। ये जो आप दिखा रहे हैं अभी फुटेज दिख रही है हमको भी, टॉर्च लेके वो महिला का ऑपरेट हो रहा है, मतलब ये सरकार की किस तरह की दिशा, वो है दशा दिखा रहे हैं अभी। उन्होंने क्या काम किए हैं, इतने साल उनकी सरकार बने को हो गए हैं जी। ये देखिए, ये सरकार है जो गऊ से, गीता से, मंदिर से, इन चीजों से बाहर निकलेगी तब इनको ये पानी, लाइट, ये समस्याएं दिखाई देंगी, नहीं है जी? जी बिल्कुल। तो इनको इस पे सीरियस वो लेना चाहिए। देखिए जनता परेशान है, आप जो है जो मैनिफेस्टो में आप वादे करते हो इलेक्शन से पहले, और उनसे काम कीजिए, ठीक है जी? ये गलत है बिल्कुल, इसका मतलब सरकार का फेलियर है ये। चलिए, शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। पृथ्वीराज करनाल से दर्शक फोन लाइन पर मौजूद है। पृथ्वीराज जी, अपनी राय रखिए आप इस मसले पर। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार। बात यह कि हम आपके प्रोग्राम का इंतजार करते हैं क्योंकि एक आम जनता की आवाज आपके चैनल द्वारा उठाई जा सकती जी, शुक्रिया। रही बात ये अस्पताल के अंदर टॉर्च की, तो आप सीएम सिटी करनाल का ये हाल देख लीजिए। नाम का तो मेडिकल बना दिया है इन्होंने, लेकिन इसके अंदर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। अगर किसी को मन थोड़ा ज्यादा पेन है तो इसके चंडीगढ़ या दिल्ली या रोहतक रेफर करते हैं। कहने का मतलब सर मेरा ये है कि ये सरकार जो है ना, ये सिर्फ पिछली सरकारों को दोष दे सकती है जो कि पहले भी देती रही है। जब विपक्ष में थी, ये पक्ष में आने के बाद आज भी सिर्फ उन्हीं की बुराइयां निकालती है। काम काज में कुछ करना नहीं है, सारे दिन झूठ बोलना है। बड़े से लेकर छोटा तक नेता इनके सारे दिन झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं करते, ना जनता का इसमें बेनिफिट है। लेकिन आपके चैनल द्वारा मैं कहता हूँ कि आम जनता के साथ इनका एक बार डिवाइड किया करवाइए। ये अनिल जी बनते हैं ना, अनिल जी गब्बर सिंह बनते हैं जो, वो आज आकर देखे ना इन अस्पतालों का क्या हाल हो रहा है। उनको फुर्सत ही नहीं मिलती, कभी तो गए जाते बाहर जाते हैं घूमने के लिए। खिलाड़ियों का आज क्या हाल हो रहा है देश के अंदर। अब अस्पताल में देखिए, कल्पना चावला के अंदर आप कभी यहाँ पर आके राउंड मार के देखिए, रात के टाइम यहाँ पर क्या हाल होता है मरीजों का, बहुत बुरा। जरूर कोशिश करेंगे। आपने कहा है कि कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल का भी हम दौरा करें और वहां पर देखें किस तरह की असुविधा जनता को होती है। शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। इस पर हम जरूर पक्ष अपना भी रखेंगे, किस तरह की हम वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेंगे। कुलदीप नारनौल से एक दर्शक फोन लाइन पर मौजूद है। कुलदीप, अपनी राय रखिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूँ जी। जी धन्यवाद सर। ये अस्पतालों में आप कह रहे हो कि ये टॉर्च की रोशनी में डिलीवरी करा दी सर, ये गवर्नमेंट, ये वर्तमान गवर्नमेंट और पिछले गवर्नमेंट सर, पिछले 7 साल से मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर की भर्ती क्लियर नहीं कर रही है सर। तो सर अस्पतालों में स्टाफ ही नहीं होगा, पूरी सुविधा ही नहीं होगी, तो आम मरीज गरीब कहाँ जाएगा सर? बड़े बड़े लोग तो मेदांता में फोर्टिस में करा लेते हैं बिल्कुल, और ये स्टाफ रखती नहीं है। पिछले 7 साल से एमपीडो को मिल की भर्ती पेंडिंग है और वो बीजेपी गवर्नमेंट की सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट है सर। तो सर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक एसएस बोर्ड के ऊपर प्रोग्राम रखिए ताकि हम बेरोजगार अपनी आवाज उठा सके और गूंगी बहरी गवर्नमेंट तक हमारी आवाज पहुंच सके। चलिए शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आपका ये भी कहना है कि अस्पतालों में स्टाफ की भी कमी है और जब लापरवाही सामने आती है तो इस तरह की जो वजह है वो भी देखने को मिल जाती है। और दर्शक लगातार जुड़ भी रहे हैं और सीधे जो है ये भी कहते नजर आए हैं कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को इस ओर ध्यान देना चाहिए, उनको जायजा लेना चाहिए अस्पतालों का। शुरुआत में जब उन्होंने अपना मंत्रालय संभाला था तो वो लगातार ऐसा देखा गया था कि वो हर अस्पताल में जाते थे, डॉक्टरों का कामकाज देखते थे, डॉक्टर वहाँ पर मौजूद है नहीं ये भी देखा जाता था, इसकी तस्वीरें सामने आती थी, सुर्खियों में वो रहते थे। लेकिन आजकल बयानों के लिए ही ज़्यादा वो जाने जाते हैं, ना कि वो अस्पतालों में जाकर निरीक्षण करने के लिए अब जाने जाते हैं, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। आप भी अपने अस्पतालों का हाल बता सकते हैं कि आपके ज़िले में या आपके क्षेत्र में जो सरकारी अस्पताल हैं आखिर वो किस तरह की स्थिति में है, क्या वो बदहाल स्थिति में है या अच्छा हाल है, ये भी आप बता सकते हैं। जो सरकार पैसा खर्च कर रही है इन अस्पतालों के लिए, डॉक्टर वहां पर मौजूद है, क्या वो आम आदमी को अच्छा और बेहतर इलाज दे रहे हैं या नहीं? राहुल फतेहाबाद से दर्शक मौजूद है फोन पर। राहुल जी अपनी राय रखिए आप। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रहे हो वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है कि किस कैसी तस्वीर आखिर हमारे
सरकार हमें सुविधाएं कैसी दे रही है, क्योंकि सरकारी अस्पताल एक पिलर है। अब गरीबों के लिए वो एक ऐसी जगह है जहां पर वो सोचते हैं कि सस्ते में कम से कम इलाज मिलेगा, लेकिन अगर वहां भी ये हालत बनी है, और महम एक ऐसा इलाका है जो हरियाणा का ही नहीं विश्व का सबसे पिछड़ा जिला है, उसके बावजूद अगर ये हालात है, सरकार बिल्कुल उस ओर ध्यान नहीं दे रही है, समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से सरकार काम कर रही है। इतने दिन हो गए हैं, 4 साल ऑलरेडी होने को आए हैं, अब तो सरकार के पास कोई बहाना नहीं बचता कि वक्त नहीं है, या फिर पिछली सरकार ने इतने गड्ढे दिए थे, जो उस सरकार ने दिया था वही आपने आगे बढ़ाया, आपने किया क्या है? आपने तो जैसे अस्पताल वो देखे गए थे वैसे के वैसे ही है, तो आप कर क्या रहे? अगर अनिल विज इतने धाकड़ मंत्री माने जाते हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आता किस लिए वो माने जाते हैं। उनको चाहिए कि वो यहाँ आए, देखें हालत कैसी है। अगर एक दिन के लिए बिजली चली जाती है तो उनके पास बैकअप के लिए इन्वर्टर तक नहीं है अस्पताल में, जनरेटर तक नहीं है, तो फिर बाकी चीजें तो छोड़ ही दीजिए अगर जिले के मुख्य अस्पताल में ऐसा सब कुछ। अच्छा राहुल, आप किसे दोषी मानेंगे, सरकार को या अधिकारियों को? देखिए, जितनी सरकार जिम्मेदार है, अधिकारियों को या डॉक्टर्स के लिए हम उतना नहीं कह सकते, क्योंकि डॉक्टर्स की ऑलरेडी कमी है, सरकार को वो पद भरने हैं, सरकार वो पद नहीं भर रही। अगर पद नहीं भरे होंगे तो और बाकी चीजों का एस्टिमेट नहीं दिया गया होगा सरकार। होता क्या है कि अस्पताल में डॉक्टर्स या सीएमओ एस्टिमेट बना के भेजते हैं, वो सालों सालों लटके रहते हैं। बिल्कुल, आज एस्टिमेट बना के भेजा के उनको जनरेटर चाहिए ना, कहीं होगी और लापरवाही का जिम्मा सबको लेना होगा। इस तरह की अगर जो कमियां हैं अस्पतालों में पाई जाती हैं। सुनील जीन से एक दर्शक फोन लाइन पर मौजूद है, सुनील अपनी राय रखिए। सुनील अपनी राय रखिए, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो? एक मिनट, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी, पा रही है जी। जी राय रखिए अपनी। हेलो जी, राय रखिए। हेलो, हाँ जी, अपनी बात रखिए आज के विषय को लेकर। सर मैं, हमारी राय ये है सर, जो हमारे जींद में सिविल हॉस्पिटल है जी, उस जी कहिए अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए ताकि आप कम समय में अपनी बातें पहुंचा सके। चलिए शुक्रिया, फिर से जुड़िएगा और टीवी का वॉल्यूम कम करके अगर आप बात करें हमसे तो आपकी जो आवाज है वो सरकार के कानों तक पहुंच सकती है। और यही हमारा मकसद है कि अगर आपके आसपास अस्पताल ऐसे बदहाल स्थिति में है तो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज तक भी आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं, वो जरूर कोई ना कोई एक्शन लेंगे। सरकार को भी आप बता सकते हैं कि जरूर सरकार ये दावे करती है कि अस्पतालों को लेकर वो गंभीर है, किसी भी तरह की जो लापरवाही है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल की लापरवाही हो चाहे वो सरकारी अस्पताल की लापरवाही हो। लेकिन आप सरकार को इन तस्वीरों को दिखाइए, अपनी बातें पहुंचाइए और वजह टटोलिए कि आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है, आप किसे जिम्मेदार मानते हैं। महम का इकलौता अस्पताल, वहां पर बिजली नहीं है, गर्मी इतनी है, महिला डिलीवरी के लिए आती है, वहां पर बिजली नहीं होती है, टॉर्च लाइट से डिलीवरी होती है। आप इससे कहीं ना कहीं ये सोच कर देखिए क्या स्थिति वहां डॉक्टरों के लिए होगी, क्या उन परिजनों के लिए होगी जो एक महिला को डिलीवरी के लिए वहां पर लाते हैं और उन्हें मालूम होता है कि वहां पर बिजली नहीं है, कुछ भी हो सकता था। प्रीतम जालंधर से एक दर्शक मौजूद है फोन लाइन पर। प्रीतम जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मसले पर? हाँ जी सर जी, ये तो मैं वेरी सिंपल, सभी जो जितने सरकारी मंत्रालय है ना, ये सभी मंत्रालय में ऐसे ही हो रहा है, चाहे वो अस्पताल है चाहे कचहरी है कोर्ट है, इसका परमानेंट हल ढूंढना चाहिए जी। कि इसमें आप क्या राय देना चाहेंगे सरकार को? कि सर, जो जितने भी सरकारी सिस्टम है ना उसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है लोगों के पास, राइट? जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी तब तक ये लोग काम करने के लिए विवश नहीं होंगे जी, राइट जी। हेलो जी, जी सुन पा रहे हैं आपको? हाँ, तो कहने का मतलब अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, जैसे सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए, ये फाइल गई है, इस फाइल का रिजल्ट क्या निकला है, इसको देखने वाला कौन है, ठीक है? और उसके बाद इन जो ये जो कर्मचारी है ये इनको कोई डर ही नहीं किसी प्रकार का, किसी का खौफ नहीं है किसी को, ठीक है? और आज की आपने दैनिक भास्कर में भी खबर पड़ी होगी कि लिखा था ना कि भाई मिनिस्टर ने किसी ने किससे लिखा है कि भाई कर्मचारी जो वैश्यों से भी बदतर है जी। चलिए शुक्रिया, अपनी राय रखिए आपने और जिम्मेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए सभी अधिकारियों की, या डॉक्टर हैं या भी सरकारी महकमे में कोई भी वहां पर कार्यरत है कर्मचारी, सबको ये होना चाहिए मालूम कि उनकी आखिर जिम्मेदारी क्या है। क्योंकि एक अस्पताल में जब मरीज आते हैं वो दुख के साथ आते हैं, उन्हें ये उम्मीद होती है कि जो भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर हैं वो अच्छे से उनका इलाज करें, और डॉक्टर इस पर निर्भर करता है कि उस अस्पताल में किस तरह की सुविधाएँ हैं स्वास्थ्य को लेकर। और एक डॉक्टर भी क्या कर सकता है जब अस्पताल में
लाइट तक ना हो, बिजली ना हो, और पता चलता है कि अस्पताल में जनरेटर तक नहीं था। पीएचसी में देखा जाता है कि वहां पर जनरेटर होता है, सीएससी में देखा जाता है कि वहां कहीं ना कहीं बिजली की व्यवस्था होती है, कम से कम एक ट्यूबलाइट तो होनी चाहिए अस्पताल में, उसका इंतजाम भी महम के अस्पताल में नहीं था। क्या इसे बड़ी लापरवाही नहीं कहेंगे? अगर कुछ भी हो जाता उसके बाद जवाबदेही क्या तभी बनती है? उससे पहले हम कहीं ना कहीं सचेत नहीं रह सकते हैं? स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को भी इस तरह के जो कृत्य किए जाते हैं या जिसकी भी जिम्मेदारी बनती है या कोई भी लापरवाही करता है उस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए और एक ऐसा उदाहरण भी उनको पेश करना चाहिए ताकि जो दूसरे लोग हैं वो इस तरह की लापरवाही करने से पहले हजार बार सोचें। और इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि अगर आपके आसपास आपने कोई ऐसा अस्पताल देखा है जहां पर व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी है, जहां पर किसी भी तरह का इंतजाम नहीं है मरीजों को लेकर, जहां पर आपको लगता है कि डॉक्टर इलाज करने में असमर्थ दिखाई देते हैं, लगता है आपको कि क्या वहां पर डॉक्टर आते हैं लेकिन इलाज के लिए सिर्फ 5 से 10 मरीजों को ही देख पाते हैं, आखिर इनके पीछे वजह क्या है? क्या इन वजहों को आप देखकर सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं तो फोन उठाइए और सीधे हमसे संपर्क साधिए और उसके बाद आपकी आवाज हुक्मरानों तक पहुंच पाएंगी जो चाहे वो कहीं भी बैठे होते हैं, चाहे वो जनता के बीच होते हैं, ताकि आपकी आवाज वहां तक पहुंच सके और उसके बाद ही ये एक्शन लिया जा सकता है। इस पूरी खबर को देखकर हम भी हैरान थे क्योंकि इस तरह से कोई भी डॉक्टर किस तरह से डिलीवरी कर सकता है बिना बिजली के, गर्मी, ऊपर से लाइट नहीं, और ऊपर से एक डॉक्टर के लिए मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद ये मालूम होता है डॉक्टर को भी, क्या पता ये मालूम था कि नहीं कि वहाँ पर जनरेटर नहीं है, अगर नहीं था तो किसी ने इसके बारे में शिकायत क्यों नहीं की, शिकायत की तो इस पर क्यों संज्ञान नहीं लिया गया, और संज्ञान लिया तो किसने लिया, और संज्ञान लेने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तमाम तरह के बड़े सवाल हैं इस पूरी खबर को देखकर हमारे सामने। ये बदहाल जो व्यवस्था होती जा रही है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार को ही जिम्मेदार मानना चाहिए? क्या सरकार को कोसना लाजमी है क्या, या फिर उन अधिकारियों पर गाज गिरनी चाहिए जो इनको अनदेखी करते हैं, जो इस तरह के मामलों को दबाने की कोशिश करते हैं, या उन डॉक्टरों पर जिनको मालूम होता है कि वो उस अस्पताल में काम कर रहे हैं जहां पर जनरेटर नहीं है? शिवानी एक दर्शक फोनलाइन पर मौजूद है, शिवानी अपनी राय रखिए। सर मैं ये कहना चाहूंगी कि सर जो ये सरकारी अस्पताल है ये वहां पे तो डॉक्टर बैठते ही नहीं है, ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं, तो वहां पे क्या व्यवस्था होगी? वही तो बता पाएंगे कि हॉस्पिटल में क्या चीज है और क्या चीज नहीं है। अगर डॉक्टर वहां ढंग से बैठे और काम करे तभी सभी सरकारी अस्पताल चल पाएंगे ना। चलिए शिवानी शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो जो दर्शक शिवानी जोड़ी उनका कहना है कि जो डॉक्टर हैं उनको भी समझना चाहिए कि आपका काम कहाँ तक है, क्योंकि डॉक्टर को इलाज तो करना पड़ता ही है लेकिन ये तो मालूम होगा ना डॉक्टर को कि उस अस्पताल में क्या जनरेटर है कि नहीं है, बिजली की व्यवस्था कैसी है, क्योंकि आप ये भी देखिए कि जो हरियाणा सरकार है वो ये भी दावे कर रही है कि 24 घंटे बिजली हम आने वाले समय में देंगे। कम से कम आप अस्पताल में 24 घंटे बिजली दें, चाहे वो दूसरे क्षेत्रों में ना दें, चाहे वो आप किसी कॉलोनी में ना दें, लेकिन जो जहाँ पर इमरजेंसी के लिए अस्पताल में व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ पर बिजली देना तो ज़रूरी है। कृष्णा सोनीपत से दर्शक फोनलाइन पर मौजूद है, कृष्णा जी क्या कहेंगे? हेलो जी, आवाज नहीं आ रही आपको जी। कृष्णा जी अपनी राय रखिए, मेरी आवाज यहां तक पहुंच पा रही है? चलिए फिर से कोशिश कीजिएगा, आपकी बात हम रखेंगे जरूर सरकार के सामने, क्योंकि हमारा मकसद देश की आवाज में इतना ही है कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान जल्द से जल्द हो। और जैसा कि एक दर्शक हमारे साथ करनाल से भी जुड़े थे, उन्होंने कहा कि बड़ा अस्पताल है कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल है लेकिन वहां पर भी जो व्यवस्था है वो ठीक ठाक नहीं है, ये हमारे जो दर्शक जुड़े उनका कहना था। और इसलिए हम कहते नजर आ रहे हैं कि क्या आपको भी लगता है जो सरकारी अस्पताल आपके जिले में है या पीएचसी है सीएचसी है आपके आसपास, वहां क्या इसी तरह की समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं? क्या क्या आपको लगता है कि ये जो समस्या है इसका समाधान अलग तरीके से होना चाहिए? किस तरह की कार्यवाही उन अधिकारियों पर होना चाहिए जो इस तरह की लापरवाहियों को अंजाम देते हैं, या फिर सरकार की ही आप लापरवाही मानते हैं कि सरकार इस तरह के कदम उठा नहीं रही है जिससे कि कहीं ना कहीं असर पड़े या उन अस्पतालों के जो अधिकारी हैं डॉक्टर हैं उनको लगे कि बड़ी गाज गिरेगी तो आप पर कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती हैं? गुरचरण सिंह अंबाला से एक दर्शक फोनलाइन पर मौजूद है, गुरचरण सिंह जी क्या कहेंगे आप?
मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो हमारे हॉस्पिटल हैं, इनके जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है सीएमओ और जो ये हाल पे देखकर इनको एकदम इमीडिएट इफेक्ट से सस्पेंड करना चाहिए जी, ताकि लोगों में ये इन लोगों में डर रहे, क्योंकि ये तो अभी उसमें लिपापोती शुरू कर देते हैं कि भाई ये रीजन था वो रीजन था, लेकिन पब्लिक का इनको कोई ख्याल नहीं है जी। चलिए शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आपका कहना है कि तुरंत प्रभाव से जो सीएमओ है या फिर जो डॉक्टर हैं या पूरा स्टाफ लापरवाही में संलिप्त होता है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई हो तभी एक संदेश जाएगा उन लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कि वो अगर इस तरह के कृत्य करते हैं जिससे कि मरीज की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है तो उनको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये डर आखिरकार कैसे बना पाएंगे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, क्योंकि गब्बर के नाम से वो जाने जाते हैं, ये भी कहा जाता है कि अधिकारी उनसे डरते हैं, लेकिन इस तरह की लापरवाही फिर भी सामने क्यों आ जाती है? क्या वो सिर्फ डर एक दिखावा है? क्या अधिकारी ये नहीं जानते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अपने जो कामों से जाने जाते हैं कि वो सख्त कार्रवाई करेंगे, आपको सस्पेंड करेंगे, उसके बावजूद भी इस तरह की लापरवाही क्यों सामने आती है? और आपके यहाँ सरकारी अस्पतालों की हालत कैसी है ये भी आप बता सकते हैं। नागेंद्र सिंह नेगी जुड़ चुके हैं मंडी से खबरें अभी तक के दर्शक, बताइए नागेंद्र जी क्या आपकी राय है? सर नमस्कार, नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ सरकाघाट मंडी से जी। सर ये तो बात बिल्कुल सही है कि हिमाचल प्रदेश में बिजली की वैसे तो कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर परिस्थितियां कहीं ऐसी बिगड़ जाएं तो ना सोलर सिस्टम है, ना इन्वर्टर, ना जनरेटर, ये तो बिल्कुल ना सरका घाट में है, ना बद्वाड़ा में, ना फतेहपुर भांबड़ा, ना गोपालपुर, जितने भी हमारे यहाँ पर पीएचसी, यानी आप कह रहे हैं कि जनरेटर की व्यवस्था हिमाचल के कई अस्पतालों में नहीं है, ना इन्वर्टर है वहां पर? नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है सर, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि यहाँ पर ना तो पैरा मेडिकल स्टाफ इन अस्पतालों में है, ना डॉक्टर यहाँ पर होते हैं सर, मैक्सिमम आधा स्टाफ, मतलब 7 डॉक्टरों की कमी सरका घाट अस्पताल में, यही हाल बलद्वाड़ा में है, यही फतेहपुर में है, यही भामड़ा में है, यही गोपालपुर में है सर जी। और ये बहुत ज्यादा बड़ी कमी है, लोगों को अपनी जमीनें रह रख करके अपने घर परिवार के लोगों को बचाने के लिए, अपने घर परिवार को जमीन को रह रख करके सरका घाट से हमीरपुर शिमला या मंडी रेफर करना पड़ता है, करवाना पड़ता है अपने पेशेंट को, यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये यहाँ पर दौरा करवाया जाए बड़े अफसरों का, मंत्रियों का, तभी जगह जाकर के कहीं हालात सुधरेंगे। पहले नीला राम जी यहाँ पर मंत्री थे, उस वक्त भी यही हाल था कांग्रेस के टाइम पे। बिल्कुल, आपका कहना है कि मंत्रियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए, जो स्वास्थ्य मंत्री है राज्यों के या फिर केंद्रीय मंत्री को भी ये देखना चाहिए कि आखिरकार अस्पतालों की आज दशा क्या है। शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। अमरपाल शर्मा चंडीगढ़ से दर्शक मौजूद है फोन लाइन पर। अमरपाल शर्मा जी अपनी राय आप रख सकते हैं, मेरी आवाज तक पहुंच पा रही है? चलिए संपर्क टूट चुका है, एक बार फिर से आप कोशिश कर सकते हैं। तो महम में टॉर्च की रोशनी में ये डिलीवरी की गई है। तो वाकई में अपने आप में हैरानी वाली ये खबर थी और इससे ये भी अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आज हमारी व्यवस्था किस तरह से ठप है और जो लाइट की व्यवस्था है वो अस्पतालों तक में नहीं है। फिलहाल देश की आवाज में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए खबरें अभी तक।